Action. Good evening, guys. What's up? मैं आज यहाँ हूँ अपने फेवरेट अक्षय सर की मूवी को आज रिव्यू करने के लिए. दो दिन पहले उन्होंने कहा था कि लक्ष्मी बॉम्ब फटने वाला है और एग्जैक्टली आज 12:30 बजे वो फट चुका है. फुल ऑन एंटरटेनमेंट. अक्षय सर से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ही इज़ द बिगेस्ट एंटरटेनर ऑफ आर कंट्री. सो एंटरटेनमेंट तो बनता है एंड प्लस दिस इज अ हॉरर कॉमेडी जिसमें तो उनको महारत हासिल है. भूल भूले या भूल गया आई होप नहीं भूले. कांचना मूवी के बारे में आपने सबने सुना होगा. साउथ की द फेमस हॉरर कॉमेडी. सो इसी का ये रीमेक है जो कि राघव लॉरेंस ने खुद डायरेक्ट किया है, जो उसमें डायरेक्टर भी थे और एक्टर भी थे. सो राघव लॉरेंस ने खुद बताया है कि लक्ष्मी बॉम्ब की स्टोरी बाकी सारी कांचना फ्रेंचाइज से डिफरेंट है. रिलीफ. बट मीमर्स को रिलीफ नहीं मिली है. दे ऑल आर सेइंग रीमेक्स रीमेक्स रीमेक्स. ठीक है यार, चलता है, मूवी तो एंटरटेनिंग है. वेल म्यूजिक की बात करें तो बहुत ही पैपी म्यूजिक है. जो एक आया था ना वो बुर्ज खलीफा बुर्ज खलीफा, आई एम तो वेटिंग फॉर दैट सॉन्ग जिसमें ढोल बज रहे ताशे बज रहे और अक्षय सर बीच से वो लक्ष्मी वाले अवतार में चल के आ रहे. गॉड गूज़बम्प्स. ट्रेलर के ठीक आधे घंटे बाद मीम्स आने लग गए कि इसमें तो लाइक और डिसलाइक का बटन ही नहीं है. आई मीन ओके, बट इसको पॉजिटिवली लेते हैं ना यार. हो सकता है कि मेकर्स ने ये डिसाइड किया है कि हमें नेगेटिविटी फैलानी नहीं, तो भाई ना लाइक करो ना डिसलाइक, बस ट्रेलर देखो और इन्जॉय करो. वैसे मीमर्स को क्या पता. वेल म्यूजिक की बात करें तो बहुत ही पैपी म्यूजिक है और स्पेशली पूरे ट्रेलर में ना गर्दन से ऐसी होती है. वी आर ईगरली वेटिंग फॉर द म्यूजिक बिकॉज इस मूवी का म्यूजिक टॉप क्लास होने वाला है. एक्टिंग अक्षय सर ने टॉप क्लास की है. डायरेक्टर साउथ के टॉप क्लास वाले हैं. कियारा इज स्वीट. और जितने भी और कलाकार हैं इस मूवी में वो सारे एक से बढ़कर एक है. तो ओवरऑल मूवी विल गोना एंटरटेन यू लाइक एनीथिंग. इट्स अ ब्लॉक बस्टर रिटन ऑल ओवर इट. सो लास्टली यही कहना चाहूंगी. हाय दिस इज अक्षय कुमार. अबे पिक्चर देख लो यार, इज्जत का सवाल है.